बताएगी भी कि हुआ क्या है? पूजा दीदी कमरे में रो रही है। लेकिन क्यों? पूजा दीदी की शादी नहीं हो सकती। क्या? लोगों को क्या जवाब देंगे हम? धीरज से काम लीजिए, अरे अगर हम ही टूट जाएंगे तो फिर पूजा का क्या हाल होगा? हो जाता है इस चश्मे को, है दिन में 50 बार साफ करना पड़ता है। पापा, धुंधला चश्मे की वजह से नहीं, आपकी आंखों के आंसू की वजह से हुआ है। पापा ये मैं क्या सुन रही हूं? पूछा थी कि शादी टूट गई। हाँ मंजरी, लेकिन ये सब अचानक कैसे हो गया मम्मी? अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। आप लोगों ने मना किया क्या? क्या जी, पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम। हम क्यों मना करेंगे भला? तो फिर अक्षय ने मना किया क्या? हमें तो मधु जी से ही पता चला, पिछले 1 हफ्ते से वो गोलमोल बातें कर रही थी और आज आखिर साफ साफ आकर कह दिया कि भाई आप लोग पूजा के लिए कोई और लड़का देख लीजिए। आप लोगों ने अक्षय से बात करी? मैं अक्षय से बात करती हूँ। अब तुम क्या बात करोगी अक्षय से जाके, जब अक्षय की मम्मी नहीं चाहती कि ये शादी हो? तो तुम्हें क्या लगता है अक्षय अपनी मम्मी के खिलाफ जाएगा? लेकिन क्यों किया उन लोगों ने ऐसा? कुछ तो रीजन पता चले कि हमारी पूजा दी में कोई कमी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अक्षय ने ही पहल की थी। अब इन सब बातों पे बहस करके कोई फायदा नहीं है। बात फायदे की नहीं है मम्मी, बात पूजा दी की जिंदगी की है। आपको पता है जब उनको ये बात पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी? वो तो टूट ही जाएंगी ना। और मैं ये अच्छी तरह फील कर सकती हूँ। तो क्या हम नहीं फील कर रहे क्या? एक बेटी का दर्द क्या होता है वो माँ बाप से ज्यादा और कौन समझ सकता है? इस वक्त हमारे दिल पर क्या बीत रही है ये भाई हम ही जानते हैं। क्या समझेंगे सब लोग कि भाई जरूर लड़की में ही कोई दोष रहा होगा। कोई ऐसा क्यों बोलेगा? मैं अभी जाके उन लोगों से बात करती हूँ। अरे रुको भाई, कहीं नहीं जाओगी। ये हम बड़ों के बीच का मामला है और हम ही सुलझाएंगे इसे। बच्चे इस मामले से दूर रहे तो ही अच्छा है। बस जब किसी लड़की की बारात दरवाजे पर से वापस लौटती है ना तो 100 दोष लड़की में निकाले जाते हैं, लड़के को कोई दोष नहीं दिया जाता। तुम अपने आप को समझते क्या? दोस्त हो मेरे, लेकिन तुम्हारी हरकतें दोस्तों वाली तो नहीं। तो फिर क्या बॉयफ्रेंड हो? लोग मेरे बारे में बुरा नहीं बोलते। ये जो तुम्हारी सोच है ना, यही गंदी है। Look at Ranbir, he's such a nice guy. उससे कुछ सीखो, कितनी अच्छी सोच है उसकी। अजय क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा है। किसी का भला भी करो तो उसे बुरा लगता है। कोई किसी की फीलिंग्स की कदर ही नहीं करता। सही कह रहा है तू, कोई किसी के फीलिंग्स की परवाह नहीं करता। भाई आप इतने अपसेट क्यों? किसी ने आपसे कुछ कहा है? किसी ने उसे कुछ नहीं कहा है टीटू। मैंने भाई को कभी इतना अपसेट नहीं देखा। मैंने कहा ना बेटा, किसी ने कुछ नहीं कहा है। लगता है आप लोग मुझे भार का समझते हैं, इसीलिए मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं तू? हम लोग तुझे भार का समझते हैं? मामी जी, मैं आपको और भाई को बहुत प्यार करता हूं,
अगर मेरी वजह से कुछ हो रहा है तो? तेरी वजह से हमें कोई दुख नहीं पहुंचा। तो फिर क्या हुआ है मामी जी? बहुत ही जिद्दी लड़का है तू, एक बात के पीछे ही पड़ जाता है। दरअसल बेटा, मैंने अक्षय और पूजा की शादी कैंसिल कर दी है। मामी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? भाई तो पूजा से प्यार करता है। तेरा भाई पूजा से प्यार नहीं करता है। क्या मतलब? भाई पूजा से प्यार नहीं करता? वो मेरा कहने का मतलब ये था कि अक्षय सिर्फ पूजा को पसंद करता है। दरअसल मेरी गलती थी कि मैं उसे प्यार समझ बैठी और जल्दबाजी में मैंने राधा जी से अक्षय और पूजा की शादी की बात छेड़ दी। मेरी गलती थी, इसलिए ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ा। लेकिन मामी जी, भाई टीटू, तो अब इस टॉपिक पे हमारे घर में आगे कोई डिस्कशन नहीं होगा। तुम दोनों का मैं डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रही हूं, जल्दी आ जाओ। भाई भाई, आप खामोश क्यों? कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? आप पूजा से प्यार करते हैं ना, तो फिर ये सब अचानक, ये क्या हो रहा है भाई? क्या तुमने ऐसा सब कुछ अकेले अकेले ही फेस करती रही और तुमने मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी? क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं? या मैं तुमसे प्यार नहीं करती? करती हूं, बहुत करती हूं, इसलिए नहीं बताया। पापा मम्मी ऑलरेडी बहुत परेशान है और मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी परेशान हो। सब कुछ तो ठीक चल रहा था ना, फिर अचानक ये सब कैसे हो गया? तुम्हें याद है मंजरी, जब तुम मुझे चिढ़ाती थी। सच्चाई को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? मेरा मतलब है तुम और अक्षय, अक्षय और तुम। कि अक्षय मुझे लाइक करता है, तुम्हारा वो मजाक, सच कहूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। दिल में एक अजीब से खुशी का एहसास होता था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा वो मजाक एक दिन सच हो जाएगा और अक्षय मुझे चाहने लगेगा। ये सब तो मेरे लिए एक सपने जैसा था, लेकिन जब अक्षय ने मुझे प्रपोज किया तो ऐसा लगा मेरे सारे सपने सच हो गए। और उस दिन से मेरी जिंदगी में अचानक सब कुछ बदल गया। जो लड़की किताबों में अपने करियर को देखती थी, वो लड़की किताबों में अक्षय के चेहरे को देखने लगी। मेरा सपना जो MBA करने का था, अचानक उस सपने की जगह एक नए सपने ने ले ली। और वो सपना था मिसेस पूजा अक्षय शुक्ला बनने का। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा मैं सोच रही थी। तुम्हें याद है ना, जब अक्षय मेरे साथ डिनर करना चाहता था, लेकिन अचानक उसी दिन से सब कुछ बदल गया। सब कुछ, अक्षय मुझे अवॉइड करने लगा। तो तुमने अक्षय से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा? पूछा था, लेकिन अक्षय ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं गलत थी। अंधवांटी ने आकर सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। क्या अक्षय को मुझसे बेहतर कोई लड़की मिल गई, या फिर अक्षय मुझसे प्यार ही नहीं करता? मुझे नहीं पता मंजरी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि शायद मेरी किस्मत में इतना ही प्यार लिखा था।
और फिर ये कोई जरूरी तो नहीं ना यार किसी की जिंदगी में हमेशा रहे। ये इश्क है, ये इश्क है। कभी कभी हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है। जहां तक मैं आपको जानता हूं कोई भी रास्ता आपको आपकी मंजिल से भटका नहीं सकता। जब प्यार होता है तब सारी समझ धरी की धरी रह जाती है। ये बात तू तब समझेगा जब तुझे किसी से प्यार हो जाएगा। लोग सही कहते हैं प्यार होना तो बहुत आसान है पर उसे संभालना बहुत मुश्किल। ये सोच रही हूँ कि शायद मेरी किस्मत में इतना ही प्यार लिखा था और फिर ये कोई जरूरी तो नहीं ना कि प्यार किसी की जिंदगी में हमेशा रहे। जब प्यार होता है तब सारी समझ धरी की धरी रह जाती है। तू अपनी समझेगा ये बात तू तब समझेगा जब तुझे किसी से प्यार हो जाएगा। लेकिन मुझे तो मंजरी से प्यार नहीं है तो फिर मुझे क्यों सारी चीजें मुश्किल लग रही हैं? क्या मंजरी सही कह रही थी कि मुझे उससे प्यार हो गया है? नहीं, नहीं मुझे उससे प्यार नहीं हो सकता है। अगर मुझे मंजरी से प्यार नहीं है तो मैं क्यों इस वक्त उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं? जिनको गले लगा ले उनका नसीब है तोहफे में ये किसी को दे दे सितारे लेकिन किसी के सपने टूटे हैं सारे। इसमें मजा है इसमें सजा है ये जान के भी हर दिल क्यों दिल लगा। इश्क तो हमेशा दिल में होता है। मैं नहीं मानती कि इश्क इंसान से कभी दूर जाता है। इश्क मैं तो अब यही सोच रही हूँ कि शायद मेरी किस्मत में बस इतना ही प्यार लिखा था। ये जरूरी नहीं कि प्यार किसी की जिंदगी में हमेशा रहे। ये इश्क क्या है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। क्या किसी के लिए परेशान होना ही इश्क है? क्या किसी की कहर करना इश्क है? क्या हमेशा किसी के बारे में सोचते रहना इश्क है? आखिर ये इश्क क्या है? ये इश्क एक भूल भुलैया का खेल है। हम जब इसके रास्तों पर चलते हैं तो हमें पूरा यकीन होता है कि ये रास्ता हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा लेकिन बाद में वही रास्ता हमें कहीं और ले जाता है। अक्षय कहाँ है? जी मैम सर तो अभी तक आए नहीं। पापा चाहे कुछ भी बोले मैं अक्षय से बात करके ही रहूंगी। मुझसे पूजा दी का दुख देखा नहीं जा रहा है। राजू एक काम करना अक्षय के घर पे फोन लगाओ और अगर मधु आंटी फोन उठाए तो उनसे कहना कि तुम्हें अक्षय से अर्जेंट बात करनी है। जैसे ही अक्षय लाइन पर आएगा उससे कहना कि मंजरी तुम्हारा कैफे में इंतजार कर रही है। हेलो जी मैम। जी मैं राजू बोल रहा हूँ। हाँ राजू बोलो। जी अक्षय भैया से बात करनी थी। एक मिनट तुम्हारा फोन है। राजू या हाँ राजू बोल। जी सर मंजरी मैम आपसे मिलने आई है।
वो आपका इंतजार कर रही है। थैंक्स। अब मैं मंजरी को कैसे फेस करूंगा? क्या हुआ बंटी, परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं माँ, राजू का फोन था। वो तो मुझे पता है, लेकिन वो कह क्या रहा था? पूछ रहा था कि कैफे कब आओगे। बोल देते कि अभी नहीं आओगे। नाश्ता कर। क्या हुआ, उठ क्यों गया? ये अचानक क्या हो गया तुझे? अक्षय। अरे मंजरी, तुम यहाँ? हाय। I'm really surprised. I mean, मुझे लगता था कि आगरा में सुबह सुबह उठ के कैफे में कौन आता होगा, पर तुम्हें देख के लगता है कि आगरा काफी मॉडर्न हो गया। हाँ? How sweet. लेकिन ये मेरे दोस्त का कैफे है। कहीं ये वो वाला तो नहीं है, डिशुम डिशुम? नहीं, ये अक्षय का कैफे है। लेकिन तुम सुबह सुबह कैफे में? अरे क्या करूं यार, ये आदत मुझे मुंबई से लगी। सुबह सुबह जब तक मैं कैफे में जाके कॉफी नहीं पी लेता ना, मेरा मूड नहीं सेट होता। एक्चुअली मेरी भी सेम आदत है, जब तक मैं सुबह सुबह कैफे की कॉफी ना पी लूं ना, मेरा दिन नहीं बनता, लगता ही नहीं जैसे सुबह हुई है। वाओ, सेम हैबिट। इसी बात पे एक एक कॉफी हो जाए। वेटर, अब टू कॉफी प्लीज। प्लीज सिट। मंजरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू लुकिंग अपसेट। आई मीन, कल रात को घर लेट पहुंचने के लिए डांट पड़ी क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कम ऑन मंजरी, बताओ ना क्या बात है। ओके, अगर कोई पर्सनल बात है तो मेरा पूछने का कोई हक नहीं बनता। वो एक्चुअली अक्षय मेरी एक दोस्त से प्यार करता है, लेकिन अभी उनके रिलेशन में काफी प्रॉब्लम्स हो रही है। अक्षय से अवॉइड करने लगा है, इसलिए वो बहुत अपसेट हो गई है। पर अक्षय ऐसा क्यों कर रहा है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यू टेल मी, इफ यू आर इन लव विद समवन, क्या तुम ऐसा करते? दैट टू विदाउट एनी रीजन। प्यार तो पूरी जिंदगी के लिए होता है ना, तो फिर कोई किसी को बीच में से कैसे छोड़ सकता है? लुक मंजरी, आई रियली डोंट वांट टू हर्ट यू, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर अक्षय तुम्हारी फ्रेंड से सच्चा प्यार करता है तो उसे छोड़ के नहीं जाएगा, और अगर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो उसको छोड़ के जाता भी है तो वो वापस जरूर आएगा, किसी और के लिए नहीं, पर अपने सच्चे प्यार के लिए। ऐसा मेरा मानना है। प्लीज अपनी दोस्त को बोलना उसका इंतजार करने के लिए। थैंक्स रणवीर, तुम्हारी बातें सुनकर मुझ में काफी हिम्मत आई है। आई थिंक अब मैं अक्षय और मेरी दोस्त को बेटर समझ सकती हूँ। इश्क़ है।